इस सवाल में पूछा गया है कि कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आर है, ब्रेक सप्लाई करने पे वो 2 मीटर के बाद जाकर रुकती है, तो अगर स्पीड डबल हो जाए, 80 किलोमीटर पर आर हो जाए, तो वो कितने डिस्टेंस के बाद जाकर रुकेगी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी डबल हो गई है, यहाँ 40 से 80 हो गई है, तो अगर वेलोसिटी डबल हो गई है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। पहले आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 मीटर है, तो 2 मीटर का 4 गुना 8 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। आंसर तो आपका ये है, और फॉर्मूला आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हैं। ये कहां से आया, यहां पे हम लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनली गाड़ी को रुक जाना है तो फाइनल स्पीड इज 0। जब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है ऑटोमेटिक, तो ये टर्म नेगेटिव है, और गाड़ी की स्पीड जो भी है जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो सेम गाड़ी होने के कारण, सेम टायर और आपके रोड के बीच का फ्रिक्शन होने के कारण एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहेगी। इसका मतलब गाड़ी अगर पता है कि ये गाड़ी पे हमने ब्रेक अप्लाई की है तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस टर्म इज कांस्टेंट, नेगेटिव से नेगेटिव उड़ जाएगा। दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल स्पीड, उसको हमने यहां पे इस तरीके से लिखा है। तो इस सवाल में हमने क्या सीखा, ऐसे केस में जब गाड़ी की स्पीड 2 गुना 3 गुना 4 गुना जिस भी प्रकार से करी जाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, वेलोसिटी को ट्रिपल कर देंगे तो 9 गुना स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका हो जाएगा।